दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिकलेट फिश के बारे में सारी जानकारियां लेने वाले हैं, जैसे कि ये फिश रखने के लिए इसका टैंक सेटअप कैसे होना चाहिए, टैंक के अंदर जो वाटर है उसकी कंडीशन और क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ये फिश के लिए कौन सा फिश फूड बेस्ट है, ये फिश के साथ हम कौन से फिश रख सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है इन फिशेज के कलर्स फिश स्टोर में काफी अट्रैक्टिव दिखते है, लेकिन इन फिशेज को स्टोर से घर लेके जाने के बाद घर के टैंक में ये कलर फेड होने लगते है। सिकलेट फिश ज्यादातर मरते क्यों है, इसका रीजन क्या है, सिकलेट फिश का साइज ग्रो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और सिकलेट फिश का ब्रीडिंग कैसे होता है, ये सारी जानकारियाँ आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सिकलेट फिश में मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक अमेरिकन सिकलेट्स और दूसरी अफ्रीकन सिकलेट्स। अफ्रीकन सिकलेट्स में तीन वैरायटी होती है, पहली मलावी सिकलेट्स, दूसरी तंगानिका सिकलेट्स और तीसरी विक्टोरिया सिकलेट्स। ये सारी फिश अफ्रीका के तीन अलग अलग लेक में पाई जाती है। अमेरिकन सिकलेट्स भी होती है जो साइज में बड़ी होती है। मलावी सिकलेट्स ज्यादा से ज्यादा साइज में 5 से 6 इंच तक बड़ी हो जाती है। आप अफ्रीकन और अमेरिकन सिकलेट्स को क्रॉस बिहेवियर के कारण एक साथ मिक्स करके नहीं रख सकते। सिकलेट फिश के कलर्स काफी अट्रैक्टिव और खूबसूरत होते हैं। ये एग्रेसिव बिहेवियर की फिश है। आपको इन फिशेस को सेम साइज में रखना और टैंक में एक साथ इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। अगर आप सिकलेट फिश को अच्छे से रखोगे और उसकी अच्छे से केयर करोगे तो ये फिश ज्यादा से ज्यादा 6 से 10 साल तक जीवित रह सकती है। आपके टैंक का मिनिमम साइज 3 फीट होना चाहिए और मैक्सिमम आप आपके बजट के हिसाब से जितना बड़ा टैंक चाहिए उतना रख सकते हो। इन फिशेस को फिश टैंक के अंदर ज्यादा से ज्यादा जगह मिलना जरूरी है। फिश टैंक के अंदर कोरल सैंड यानी कि कैल्शियम सैंड होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस सैंड से सिकलेट फिश को कैल्शियम मिलता है जो इनके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ फिश टैंक के अंदर आपको कोरल स्टोन्स भी रखने चाहिए ताकि फिशेस को छुपने में जगह मिल सके और इन कोरल स्टोन्स से सिकलेट फिश को कैल्शियम मिल सके। ये फिश अपनी टेरिटरी बना के रहने में पसंद करती है, इसलिए आपके फिश टैंक में जितना ज़्यादा कॉर्नर स्पेसेस या छुपने के लिए हिडन प्लेसेस या हाइडिंग शोपीस रखोगे उतना ही इन फिशेस के लिए अच्छा है। सिकलेट फिश को छुपने के लिए आप आपके टैंक में रॉक्स डेकोरेशन करोगे तो वो इन फिश को अच्छे से रहने के लिए मदद करेगा। टैंक में लाइट, फिल्टर और ऑक्सीजन मशीन लगाना जरूरी है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हो बिल्कुल ऐसा ही फिश टैंक सेटअप सिकलेट फिश रखने के लिए जरूरी है। यहाँ पर आप इस टैंक में प्लांट मत लगाना क्योंकि ये फिश आपके प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिश टैंक में लाइट होना काफी जरूरी है और साथ ही साथ फिश टैंक के अंदर आप थर्मामीटर भी लगा सकते हो ताकि आप फिश टैंक का वाटर टेम्परेचर हमेशा मॉनिटर कर सके। सिकलेट फिश को हेल्दी और स्वस्थ रखने के लिए आपके फिश टैंक की वाटर क्वालिटी अच्छी होना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि वाटर टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से लेके 28 डिग्री सेल्सियस यानी कि 80 फ़ारेनहाइट होना चाहिए और पानी का पीएच लेवल 6 से लेकर 8 तक होना जरूरी है। साथ ही साथ सिकलेट फिश टैंक का वाटर हमें हमेशा क्लीन और स्वच्छ रखना चाहिए, इसलिए हमें हफ्ते में फिश टैंक का पानी 20-30% चेंज करते रहना चाहिए। लेकिन हम जब फिश टैंक का वाटर 20-30% चेंज करते हैं तब वाटर का पीएच लेवल और वाटर का टेम्परेचर अप डाउन होता है, तो इस केस में हमें बेकिंग सोडा जो कि हम खाने में यूज करते हैं उसको थोड़ा सा पानी में मिलाना चाहिए, तो आपके फिश टैंक के वाटर का पीएच लेवल और वाटर टेम्परेचर इमीडिएट सेट हो जाता है। आप चाहो तो आर्टिफिशियल कैल्शियम और थोड़ा रॉक सॉल्ट भी पानी में मिला सकते हो। इस प्रकार से अगर टैंक के वाटर का ध्यान दोगे तो वाटर कंडीशन के कारण हमारी फिश कभी नहीं मरेगी और स्वस्थ रहेगी। और साथ ही साथ आपको पानी में टेरामाइसिन या हीटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब ठंडी के दिनों में फिश टैंक के वाटर का टेम्परेचर डाउन होने लगता है तब आपको फिश टैंक के अंदर हीटर लगाना जरूरी है। सिकलेट फिश को आपको हेल्दी, एक्टिव और कलरफुल रखना है तो इनको आपको स्पेशल सिकलेट ब्रांडेड कंपनी के फूड ही खिलाने चाहिए ताकि इन फिश फूड्स में हाई प्रोटीन और स्पेरोलिना का इंग्रेडिएंट्स होता है जिसकी मदद से इन फिशेस के हार्मोन्स डेवलप होने में हेल्प हो जाती है। सिकलेट फिश के काफी सारे ब्रांडेड फिश फूड मार्केट में अवेलेबल है जो स्पेशली सिकलेट फिश के लिए बनाए गए हैं। इन फिश के फीड रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर ये फिश फूड स्पेशल फॉर्मुलेशन से बनाए जाते हैं।
सिकलेट फिश को फूड टाइम टू टाइम देना पड़ता है। अगर इस फिश को टाइम टू टाइम फूड नहीं मिला और कैल्शियम की कमी के कारण ये फिश एग्रेसिव हो जाती है और आपस में लड़ाई करती है। एटलीस्ट दिन में 2 से 3 टाइम इन फिश को फीड करना जरूरी है। सिकलेट फिश के फिश फूड ऑनलाइन अमेजोन पे भी अवेलेबल है। अगर आप ये फिश फूड खरीदना चाहते हो तो इन फिश फूड के बेस्ट बाय लिंक हम आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। उस लिंक पे जाके आप ये फिश फूड खरीद सकते हो। सिकलेट फिश में ही इतनी सारी वैरायटी आती है तो इनके साथ कोई अलग मछली रखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपको सिकलेट फिश के साथ दूसरी मछली रखनी है तो वो फिश सेम साइज की होनी बहुत जरूरी है। आप इन फिशेस के साथ रेड पैरेट, येलो पैरेट, बिग डॉलर या फिर अर्थ ईटर वैरायटी के जो फिश है वो आप सिकलेट फिश के साथ रख सकते हो। कैल्शियम नहीं मिलने से और फूड क्वालिटी ना मिलने से इन फिशेस के कलर्स फेड हो जाते हैं। जैसे कि ये फिश स्टोर में बहुत ही कलरफुल और अट्रैक्टिव दिखते हैं, लेकिन कस्टमर इन फिश को घर ले जाकर कोई भी लोकल फूड खिला देते हैं। इस वजह से इनकी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते और इनका कलर फेड होना स्टार्ट हो जाता है। सिकलेट फिश में 2 क्वालिटी की फिश आती है, पहली इम्पोर्टेड और दूसरी नॉर्मल। इम्पोर्टेड क्वालिटी की जो फिश होती है उनके कलर फेड नहीं होते। ये फिश ज्यादातर वाटर टेम्परेचर कम ज्यादा होने से और वाटर का पीएच कम ज्यादा होने के कारण और साथ ही साथ आपस में लड़ाई करने से मरती है। अमेरिकन सिकलेट्स और अफ्रीकन सिकलेट्स को ज्यादातर एक साथ नहीं रखा जाता, क्योंकि अमेरिकन सिकलेट्स ज्यादातर बड़े होने वाले फिश है और मलावी सिकलेट्स साइज में ज्यादा बड़े नहीं होते, तो इस वजह से अमेरिकन और अफ्रीकन सिकलेट साथ में नहीं रखने चाहिए। सिकलेट फिश अगर आपको अच्छे से बड़ी करनी है तो आपको टाइम टू टाइम वाटर चेंज करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम इन फिशेस को फीडिंग करना पड़ेगा और फीडिंग के 1 घंटे बाद आपको साइफन करना पड़ेगा, तभी जाके इन फिशेस का साइज अच्छे से ग्रो होगा। सिकलेट फिश माउथ ब्रीडर है। जब ये 3 से 5 महीने की हो जाती है या फिर साइज में 3 से 4 इंच की हो जाती है तभी से ये ब्रीडिंग कर सकती है। ये मछली अंडे देती है और एक टाइम में ये मछली 10 से 30 अंडे देती है और ये मछली अपने अंडे मुंह में रखती है। अंडों में से बच्चे बाहर निकल आने में 5 से 21 दिन लगते हैं। तो ओवरऑल सिकलेट फिश को हेल्दी और अच्छे से रखने के लिए टैंक में सैंड डालनी है, हाइडिंग शोपीस रखने है, हीटर लगाना है, पानी का पीएच मेंटेन रखना है, कैल्शियम सैंड और थोड़ा रॉक सॉल्ट भी डालना है और पानी को क्लीन रखना है।